आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता दूँ आपको क्या क्या मिलेंगे। परमानेंट पोस्ट है, इसमें से आपको हर टाइप के अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको टोटल पोस्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इट मीन्स आपको वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट कॉलेज से रिलीज करी गई है एंड सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट कवर हो रहा है, लाइक आपका हिंदी, जो सबसे ज़्यादा हमारे व्यूअर्स डिमांड करते हैं कि उनको हिंदी एंड कंप्यूटर साइंस से पोस्ट चाहिए, तो दोनों डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कॉमर्स, एजुकेशन, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, मैथ, साइंस, इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखें तो ऑब्वियसली आपको हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा कि आप कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पोस्ट सर्च कर रहे हो। एंड मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ कि कौन सी पोस्ट आपने बताई है कि आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पोस्ट चाहिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में वो पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। प्लस ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डेली बेसिस पे वीडियोस चेक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट से पोस्ट रिलीज होती है, तो मैं हर बंदे को कमेंट करके नहीं बता सकती कि यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेक करें कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, ताकि आपके हाथ से कोई वैकेंसी छूटे ना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन दिस नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट रहेगी। टोटल आपकी पोस्ट मेंशन करी गई है 74। पोस्ट रिलीज करी गई थी 6 दिसंबर को। यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। रिलीज करी गई है नोटिफिकेशन जीसस एंड मैरी कॉलेज से। पहले हम डाउनलोड करते हैं यहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन, फिर सारा प्रोसेस देखते हैं। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे पोस्ट रिलीज करी गई। अप्रॉक्सीमेटली 30 डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी, सभी आपको इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से कवर हो रहे हैं, फिर और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेंशन कर रखे हैं पोस्ट डिपार्टमेंट रहेगा आपका इकोनॉमिक्स, इसमें आपकी पोस्ट रहेगी टोटल 5। एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व के अंदर पोस्ट ही रखी है, और कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका एक लॉस होगा, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंग्लिश, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी 9, हिंदी में 10, हिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 1, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 8, सोशियोलॉजी में 4, फिलॉसफी में 3, कॉमर्स में 15, कंप्यूटर साइंस में 2, फ्रेंच में 2 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी रहेगी 6 पोस्ट। ठीक है, एंड PWD कैटेगरी वालों के लिए भी उन्होंने पोस्ट रिलीज कर रखी है। क्वालिफिकेशन में किसी भी आप डिसिप्लिन में अप्लाई करो जहाँ पे नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आपको वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इवन रिलैक्सेशन मिल जाती है वो कैटेगरीज लाइक SC ST, उनको मार्क्स में भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। इट मीन्स अगर उनके मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PhD तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी। एंड PhD कुछ कंडीशंस मेंशन कर रखी है, आप वो रीड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने आपको रिलैक्सेशन बताई थी, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रखी है, तो वो रीड कर सकते हो आप यहाँ से पूरी डिटेल में, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। एंड यहाँ पे स्कोर कार्ड मेंशन कर रखा है। मोस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा नेट क्वालिफाइड है, तो हम क्या इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा। तो आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है। जैसे ही आपकी रिक्रूटमेंट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलीज करी गई, उसके एफिलेटेड कॉलेज से, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है कि इतने मिनिमम मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको इंटरव्यू का कॉल आता है, अदरवाइज इंटरव्यू का कॉल नहीं आता। तो अगर यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मिनिमम मार्क्स होते हैं 60, अदरवाइज वैसे होते हैं तो यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ पे एलिजिबल होता है, जिनके 50 मार्क्स बन रहे हैं स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रिलैक्सेशन भी मिलती है 5 मार्क्स की फॉर कैटेगरीज लाइक SC ST एंड PWD। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स के डाउट्स आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको आज क्लियर भी कर दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं चार्ज करी जाएगी इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST PWD एंड वुमन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी, एंड देयर विल बी एप्लीकेशन फीस फॉर कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व OBC एंड EWS। कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी, 500 रुपीज फॉर दैट कैटेगरीज। ठीक है, और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। कुछ अलाउंस आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन आपको कर रखा है, पेज नंबर 11 पे 18 पॉइंट में आपको मिल जाएगा। या दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्टली पे नहीं करती आपको, तो इतना ही से नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था। लेकिन अच्छी पोस्ट है, परमानेंट टाइप की पोस्ट है आपकी, अप्लाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। परमानेंट पोस्ट ही है आपकी एंड लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 7th of January। ठीक है, पे लेवल आपका 10 का रहेगा, तो अलाउंसेज ऐड करके 70,000 to 80,000 के बिटवीन आपका पे लेवल चला जाता है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।